कि देश के अंदर सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, किसी जगह पर कोई फैक्ट्री चल नहीं रही है और हालात ये होती जा रही है कि चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो कल कारखानों का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके दूसरे क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर जो है वो काम बंद हो चुके हैं, काम रुक चुके हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग बाग भटक रहे हैं। तो ऐसी हालात इस देश की हो गई है इस नोटबंदी के कारण। मैं समझता हूँ कि ये देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। नोटबंदी से जो देश को जो लाभ हुआ है कि जो आज पाकिस्तान के अंदर जो नकली करेंसियाँ जो बन रही थी, जिससे कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद को जो बढ़ावा मिला, जो असली जो कमर टूटी है वो आतंकवाद की और हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की कमर टूटी, और जितनी भी नकली करेंसियाँ थी वो सारी की सारी रद्दी हो गई जब पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जो मशीनें लगी हुई थी, और देश की जनता ने नोटबंदी को स्वीकार किया है। इससे जो 3-4-5 महीने जो समस्याएं आई उनको फेस किया है, फिर भी देश की जनता ने मोदी जी के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए एक्सेप्ट किया और इसका स्वागत किया। नोटबंदी की वजह से आज विकास दर घट गई है, विनिर्माण क्षेत्र बिल्कुल ध्वस्त हो गया, आपकी सीमेंट फैक्ट्रियाँ, स्टील फैक्ट्रियाँ, आपका जो रियल इस्टेट है वो उसका काम बंद हो गया है। 50 लाख लोग जो मजदूर थे वो बेरोजगार होके अपने गांव में पहुंच गए हैं। एक तरफ किसान के पास काम नहीं है, किसान को पूरा फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ उसका बेटा जो मजदूरी करने शहर गया था वो भी करा गया है। तो ये दोहरी मार देश की जनता के साथ हुई है, और इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री जी खुद जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये फैसला लिया। जब नोटबंदी हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे शाम एक भाषण दिया, आधी रात को नोटबंदी का ऐलान किया। 5 बातें जो प्रमुख रूप से उनकी तरफ से गिनाई गई। सबसे पहले कहा गया कि नोटबंदी देश में के सिस्टम में जारी ब्लैक मनी पर कंट्रोल करेगी। दूसरा कहा गया करप्शन पर कंट्रोल होगा। तीसरा कहा गया आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म होगा। चौथा फायदा गिनाया गया कि कहीं ना कहीं अगर आप मानते हैं कि जाली नोट सिस्टम में है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और 5वीं बात किसान, मजदूर और कारोबारी, ये सब इसके बाद फायदे में होंगे। तो इन्हीं सिलसिलेवार सवालों पर आना चाहता हूँ। लक्ष्मीकांत भरद्वाज साहब, ब्लैक मनी का क्या हुआ, करप्शन का क्या हुआ, जाली नोटों का क्या हुआ, और जाली नोटों के साथ साथ किसान, कारोबारी और मजदूर क्या आज फायदे में हैं? आतंकवाद, नक्सलवाद क्या आज खत्म हो गया? देखिए, आपने जाली नोटों की बात की, एक एक नोट क्लियरिफाई करके बैंक में जमा हुआ है। आज पूरा जो सिस्टम है उसमें जिस किसान की बात बड़ी मुद्दत से ये कांग्रेस पार्टी के लोग अभी यहाँ पर कर रहे थे, आप सोचिए अगर 1,000 का नोट किसी किसान या किसी गरीब मजदूर के यहाँ नकली पहुंच जाता है तो उसको उसकी 10 दिन की कमाई मारी जाती थी। आज वो उसको बिल्कुल मार्केट से बाहर कर दिया गया। 16,000 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी जो कि सीधा सीधा बैंकों में नहीं आया, वो बिल्कुल बाहर हो गया। इसके अलावा मैंने आपको भी बताया कि कितने लोगों, कितने लाख करोड़ रुपए के उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 113 इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। मोदी जी के चुनावी भाषणों के मुताबिक करीब 10 लाख करोड़ की ब्लैक मनी है। जी बताएं, 10 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो वो पता नहीं कहां किस किस जगह पर है। सरकार उसके लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है, है ना, उसके लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। लेकिन आपने जो 3 सवाल पूछे उसमें आपने 5 सवाल पूछे, टेरर फंडिंग के लिए भी एक सवाल आपने पूछा कि वो कैसे रुकी है। आप देखेंगे जब हमारी सरकार आई थी तब 107 जिलों में नक्सल आतंकवाद यहाँ पर उस देश में था, अब केवल 9 जिलों में सिमट कर रह गया है, केवल 9 जिलों में। हमारे समय जब सरकार, हमारी सरकार आई थी तो आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी की चुनावी सभा में बिहार में बम फूटे थे, आतंकवादियों ने फोड़े थे। इस देश में यूपीए की जब 10 साल सरकार थी तब देश का ऐसा कोई शहर नहीं जहां आतंकवादियों ने आके बम नहीं फोड़ा हो। हमारे जयपुर में भी आकर बम फोड़कर 70 लोगों को मारकर चले गए थे। आप मोदी की सरकार आने के बाद और खास तौर पर नोटबंदी होने के बाद अगर बॉर्डर एरिया को छोड़ दो तो पूरे देश में एक आतंकवादी घटना बता सकते हैं? एक आतंकवादी घटना? आप इतना बड़ा चेंजेस है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये सब केवल जो सरकार के जो कदम है उनको सपोर्ट करने के लिए। नोटबंदी के बाद यूपी चुनाव था, मोदी जी गंगा किनारे थे, कह रहे थे कि नोट गंगा में बहाए जा रहे हैं, और गंगा में बहे नोट कैसे बैंकों तक पहुंच गए ये समझ में आता है। आप लोगों ने दिखाया। मैं जाली नोट वाली बात पर आना चाहूंगा। जाली नोट पर, नोटबंदी जब 8 नवंबर को हुई उससे पहले का एक आंकड़ा है, 6,32,000 जाली नोट देश में बरामद हुए थे। उसी 8 नवंबर के बाद की प्रक्रिया में करीब 7,62,000 नकली जो जाली नोट है वो बरामद हुए। ये प्रक्रिया रुकी नहीं, कमोबेश उतनी ही है। नहीं,
ये देखिए ना आप, जो आप लोगों के चैनलों ने तो दिखाया, और ये नए नोटों की सूरत में 500 और 2000 रुपए के, सर आप लोगों ने तो दिखाया नोटबंदी के दौरान चंद नोट, चंद आप उसको कैसे चंद नोट, आपने जो दिखाया आपके पकड़ में आया आपने वो दिखाया, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर आप नहीं पहुंच पाए, पानी में नोटों लोगों ने नोट बहाया, हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आरबीआई ने बता दिया कि वो 16,000 करोड़ थे, वो 16,000 करोड़ थे जिनका जिक्र आपने कर दिया, वो 16,000 करोड़ थे, 16,000 करोड़ तो थे ही थे, उसके अलावा भारत में खपत के लिए जो बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान पाकिस्तान के द्वारा जो रुपए आए हुए थे वो तो सिस्टम में ही नहीं आए, वो तो सिस्टम में ही नहीं आए ना, उसको तो आप काउंट ही नहीं कर सकते कि वो तो जहां पड़ा था वहीं का पड़ा, पड़ा का पड़ा रह गया, वो भी तो आपका ख्याली आंकड़ा ही है कि या फिर तथ्यात्मक है कितना आया, ऑथेंटिक है, सोच रहे हैं कितना आया होगा, आप सोच रहे क्यों रहे, जब नोटबंदी लागू हुई उस 6 सप्ताह के दौरान भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बंगाल के रास्ते कितने वहां पर नकली नोट पकड़े गए, वहां पर बीएसएफ ने, चलिए मैं चाहूंगा सुरेश जी आपको जवाब दे, आतंकवाद नक्सलवाद का क्या हुआ, जाली नोटों का क्या हुआ, बता दीजिए देश में जी क्या हुआ, करप्शन का क्या हो रहा है आज कारोबारी मजदूर और किसान के साथ। देखो मैं आपको बताऊं अश्विन जी, इन्होंने कहा आतंकवाद, नोटबंदी के बाद में जो पहला आतंकवादी पकड़ा गया उसकी जेब में 2000 का नोट था, वो बात हुआ खत्म। दूसरी बात आपने पूछी कि आ रहा हूं, जाली नोट, तो भारत सरकार को आरबीआई को आज तक बता देना चाहिए था कितने जाली नोट आए, बता देना चाहिए था इस देश को, जब 98.8 मात्र 1% नोट बचा है, ये गंगा जमुना सरस्वती में बहते हुए नोटों की बात कर रहे हैं, अभी तो नेपाल में कितना नोट पड़ा है, भूटान में कितना नोट पड़ा है, अरब कंट्रियों में कितना नोट पड़ा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोऑपरेटिव बैंकों में कितना नोट पड़ा है उसका अभी जमा नहीं हुआ, उसका हिसाब नहीं है इनको, ये जो बातें करना आज इस नोटबंदी से इस देश की जो कितनी गति थी वो गति रोकने का काम किया, ये कह रहे आतंकवाद और नक्सलवाद तो रुक गया, आतंकवाद कितनी आतंकवादी घटना, नहीं सरकार जब हमारी सरकार थी 5 साल के अंदर 170 लोगों के करीब सही, अरे कितनी आतंकवादी घटना बताइए ना आप, इस साल में 377 है, किसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग रोज हमले हो रहे हैं, चाइना की बॉर्डर की क्या हालत है, मुद्दा है आंतरिक आतंकवाद और नक्सलवाद पर क्या काम हुआ, करप्शन पर क्या हुआ, करप्शन पर क्या हुआ, नक्सलवाद पे कंट्रोल नहीं है, लक्ष्मीकांत जी करप्शन तो अपने आप में नोटबंदी, फोर्ब्स ने भी कह दिया करप्शन बढ़ गया, देश नंबर पर वन है एशिया में, लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए, मैं आऊंगा फिर आगे बाकी मेहमानों का, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, ये देश का एक भी ऐसा शहर नहीं बता पाए जहां पर आतंकवादी घटना हुई, जहां पर आतंकवादी घटना हुई, अरे आप रोज बम फूटवाते थे दिल्ली में, 4 बार बम फूटे, संजय माधव साहब, संजय माधव साहब बोलिए, अरे सुनिए पाकिस्तान कांग्रेस कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देश में आरएसएस बम धमाके करवाना था, आप क्या बोल रहे हैं, चलिए मुद्दा डाइवर्ट नहीं करा, मेरी डिबेट आतंकवाद पर बिल्कुल नहीं है, लक्ष्मीकांत जी और सुरेश जी लौटूंगा आपके पास में, संजय माधव साहब क्या फायदे हुए नोटबंदी के, क्या नुकसान हुए नोटबंदी के, प्लीज आ रहा हूँ, लक्ष्मीकांत जी जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा, प्लीज आ रहा हूँ, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ माधव साहब, कोई फायदा नहीं हुआ नोटबंदी का सर, ये पांच बिंदु है, जोर जोर से चिल्लाने से आप बोलिए, आराम से बोलिए, इत्मीनान से, उसमें ना तो कोई काला धन खत्म हुआ देश के अंदर, जाली नोट की जहाँ तक बात है वो ऐसा बता ही रहे हैं 100% लगभग, अभी ये भूटान नेपाल और कोऑपरेटिव में जो नोट पड़े वो और आएंगे तो लगभग 100% पूरी करेंसी देश में खुद जो है बैंक मान रहा है वो आ रहा है, इसलिए 4 बातें जो मुख्य आपने पूछी, जो उनमें से कोई भी लक्ष्य जो है आतंकवाद की, कह रहे हैं अल्लाह मचा रहे हैं आतंकवाद का हमला नहीं हुआ, जब छावनियों के अंदर घुसूस कर फौजियों को मार के जा रहे हैं यहाँ पर, एक बार तीन बार, उसके बाद पाकिस्तान की उसको बुला करके वो फील्ड का दौरा करवा रहे हैं, हमारे सेना पर जो है नहीं, हमारी जो मिलिट्री कैंप के अंदर हमला हुआ है पंजाब, वो आतंकवादी घटना फिरोजपुर में, फिरोजपुर में आतंकवादी घटना, और क्या होती है ये बॉर्डर एरिया का, कह रहे हैं आतंकवादी घटना का, बॉर्डर एरिया का जिक्र किया, हमारा मैं स्पष्ट रूप से तय है, ये जो
नोटबंदी लागू की गई, ये सिर्फ बंद हो गई। ये चार जो है घोषणाएं जो प्रधानमंत्री, पांच मुख्य बातें की, बस एक भी पूरी नहीं हुई। मुख्य रूप से ये कॉर्पोरेट घरानों के फायदे पहुंचाने के लिए किया गया था और लगातार स्टेटमेंट बदलते रहे। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को स्टेटमेंट दिया, मैं आऊंगा नितिन जी, नितिन जी अब आपसे जानना चाहता हूं, 8 दिसंबर को नोटबंदी होती है, उसके बाद करीब 35 दिन बाद 14 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर एक प्रेस नोट जारी करते हैं और कहते हैं 12,44,000 नोट अब तक आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद और वक्त की बात की जाती है और 80% पैसा आने के बाद अब इतना वक्त लग जाता है बाकी पैसे को गिनने में, ये जो झोल है इसको लेकर हमेशा विपक्ष बात करता रहा। क्या समझ में इसलिए नहीं आती है कि जब भी बैंक में नोट करीब 3,00,000 करोड़ गिनने में बाकी ना, 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 मशीनें खरीदनी पड़ी और वक्त लगा, ये सब गलत बात है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी बैंक में नोट आते हैं वो सब गिन के ही जमा होते हैं और आजकल तो कंप्यूटराइज एनवायरमेंट है, वो डेंट ही नहीं करता है जब तक बैलेंस शीट मैच नहीं हो। तो डेली बैलेंस शीट मैच होती है, कैश बैलेंस मैच होता है, तो इट इज ए मैटर ऑफ couple of hours to calculate how much notes do we have, what is the cash balance in hand. It does not takes more than a day to tell that how much is the cash which has been deposited in the various banks. क्योंकि ये तो सब अब ये computer का युग है, इसमें तो हर चीज tips पे है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई आपको कोई physically बैठ के ledger या cashbookों को मिलान करना है, ये तो सब आंकड़ा आपके पास system पे है, मिनट से मिनट टू मिनट की रिपोर्टिंग है अब तो। तो फिर क्या लगता है 13-14 दिसंबर के बाद इतना लंबा वक्त आरबीआई को ये क्लियर करने के लिए, ये तो भारद्वाज जी बता सकते हैं, 99% पैसे आए होंगे, ये बीजेपी के आदमी बता सकते हैं क्या कारण रहा होगा। देखिए आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उसका जिक्र किया और जब वो पूरा तरह अब सेटिस्फाई हो गई, काउंटिंग कर ली, सब जो उसके सोर्सेज हैं वो पूरे हो गए, उसके बाद उन्होंने देश के सामने पूरा पूरा जो उनका आंकड़ा था वो रख दिया। लेकिन लेकिन सर मैं मुझे आपके इस डिबेट पर एक बात को लेकर बेहद आपत्ति है और मैं इस घटना की बहुत निंदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरएसएस पर जितने घटनाएं इसके लिए आरोप लगाए, इसके लिए आरोप लगाए आपने आरएसएस, आपने आप दोनों मिलकर इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, क्या यही सियासत है? आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है सर। लक्ष्मीकांत जी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक पर आपकी आपत्ति कीजिएगा, ब्रेक पर के बाद फिर लौटेंगे मुद्दे पर, आपका जवाब क्या कहता है ब्रेक के बाद? 1% काला धन वापस आया है और 99% कोई धन वापस नहीं आया और इतनी पब्लिक परेशान हुई है कि किसानों को भी कोई राहत नहीं मिली है और आम जनता को इतनी परेशानी हुई कि घंटों खड़े रहे, ये बिल्कुल फेल रहा है। कर दो नोटबंदी से बहुत दिक्कत हो रही है, एक तो काम धंधे बिल्कुल नहीं चल रहे भी और नोटबंदी होने से कि पुराना काला धन निकलेगा तो काला धन नहीं निकला अभी। इस टाइम को सोच रहे थे कि भाई अच्छा दिन आएंगे, अच्छे दिन नोटबंदी से अच्छे दिन आ जाएंगे हमारे, पर वो न्याय नोटबंदी से पहले बहुत अच्छा मार्केट चल रहा था, हमारे सेल बहुत ज़्यादा थी, अब तो बिल्कुल ही ठप हो गई है, मार्केट बिल्कुल सूना है।